नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। हर रोज एक गेम देखे इस सीरीज में मैं एक गेम आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गेम 1300 रेटिंग तक के लोग प्लेयर्स देखे। जोको पियानो ओपनिंग में खेला गेम है। e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप c4 है। इटालियन ओपनिंग होता है। बिशप c5 है, जोको पियानो होता है। जोको पियानो का मतलब साइलेंट गेम ऐसे होता है। इसके बाद तीन मूव्स है। एक्चुअली सबसे कॉमन है कि c3 पॉन खेला जाता है, ताकि उसके बाद d4 खेल के इस पॉन और बिशप और नाइट को थ्रेटन कर सकते हैं। दूसरी कॉमन मूव है कैसल करता है, क्योंकि ये बिशप जो है इसका अटैक है ये f2 के ऊपर है। जैसे ब्लैक का f7 पॉन वीक रहता है उसके, वैसे व्हाइट का f2 पॉन वीक रहता है। और बाद में ये ब्लैक जो प्लेयर है वो नाइट f6 खेल के और उसके बाद नाइट g4 खेल के ये पॉन के ऊपर डबल अटैक कर सकते हैं, या तो ट्रैक्सलर अटैक करके एक जबरदस्त अटैक है उसके ऊपर, मैंने वीडियो बनाया है, डायरेक्ट वो मार देता है, किंग आपका मूव हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए, f2 को सपोर्ट करने के लिए कैसल किया जाता है यहाँ, ताकि रूक पॉन को f2 को प्रोटेक्ट करता है। और तीसरी जो मूव है इसने की है वो d3 है, भी बुक मूव है, और इसको नाम दिया जोको पियानो सिमो। हाँ मतलब ये भी मूव है, नहीं है ऐसे नहीं है। इसके बाद d6 खेला, c3 इसने खेला। तो एक्चुअली Ng5 खेलता तो अच्छा रहता था, क्योंकि नाइट को बिशप का प्रोटेक्शन है और f7 के ऊपर डबल अटैक हो जाता है, ये नाइट का अटैक और ये बिशप का अटैक, तो अच्छी मूव रहती थी। उसको नलीफाई कर सकता है, पॉन ऊपर ले सकता है, बिशप e6 के ऊपर ला सकता है, लेकिन ये अच्छी मूव रहती ज्यादा। और ये नाइट लेते इस समय हमेशा ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत प्लेस में देखा कि ये पॉन नीचे रहता है और c3 खेला रहता है, और ये एकदम नाइट यहाँ पे लेते हैं तो नाइट को किसी का सपोर्ट नहीं, क्वीन उसको डायरेक्ट मार देते हैं। वो ध्यान रखना चाहिए। तो इसने अभी c3 खेला, नाइट f6, अभी नाइट यहाँ पे आके डबल अटैक कर सकता है f2 के ऊपर। तो बिशप e3 खेला, ये इतनी अच्छी नहीं रही मूव। अच्छी मूव रहते है पॉन से बिशप को थ्रेटन करता है, यहाँ पे पॉन b4, तो ये नाइट को लेता है यहाँ पे, तो वो बिशप मारा जाता है उसका, तो बिशप उसको या तो हिलाना पड़ता है। तो अच्छी रहती मूव। बिशप यहाँ पे देखे इसने क्या किया कि एक्सचेंज के लिए बिशप दिया, और एक्सचेंज करता है तो ये पॉन से वो मारना पड़ेगा और यहाँ पे डबल पॉन हो जाता है। तो बिशप e3 खेला, इसके बाद इसने बिशप b6 पे लिया, और इसको भी अच्छी मूव रहते, इसको मार ही देता तो भी ठीक था, ये ग्रीन से जो दिखा है तो भी ठीक था, क्योंकि पॉन से मारना पड़ता है, डबल पॉन हो जाता है। तो इसने एक क्वीन ले ली e2 के ऊपर, नाइट e7, नाइट d2, नाइट g6, और इसने h3 खेला।
तो इसलिए कर लेंगे, इतनी जल्दी नहीं खेलना चाहिए गेम में कभी, क्योंकि कैसल अगर आप करना चाहते हैं शॉर्ट कैसल यहाँ पे, तो जो बैक रैंक के चांसेस रहते हैं मेट के, वो A3 पॉन से कम हो जाते हैं। लेकिन इस पोजीशन में ये मूव अच्छी रहती है, पॉन D4 पे लेता दो। तो इसने C6 खेला, C6, तो C6 खेलने के बदले वो कैसल कर देता तो अच्छा कर रहता है, जितनी जल्दी हो सके कैसल करना चाहिए। अभी व्हाइट ने कैसे दोनों साइड का कैसल के लिए जगह रखी है, तो C6, तो Bb3 इसने खेला, ठीक है। अभी इसने ब्लैक ने कैसल किया, G4 D5, अभी इसने E क्रॉस D5 किया, वो भी नहीं करता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ पे वो इसको भी क्रॉस कर देता है तो नाइट का सपोर्ट है, ये पॉन का सपोर्ट है, इससे अच्छा वो कैसल कर देता, और वो भी लॉन्ग कैसल तो अच्छा रहता था, क्योंकि इसने ये पॉन्स यहाँ के कैसल के पॉन्स डिस्टर्ब करके रखी है, तो लॉन्ग कैसल करता अच्छा रहता। E क्रॉस D5, Nq d5, अभी Bc क्रॉस D5 इसने किया, उससे अच्छा फिर एक बार नाइट यहाँ पे ले लेता G5 के ऊपर तो अच्छा रहता था। हाँ, उसको Bc G5 के ऊपर लेता था तो अच्छा रहता था, क्वीन को थ्रेटन कर सकता था। ये लेके क्या हो गया कि खाली इसने अपना बिशप मरवा दिया यहाँ पे, और ये दूसरे बिशप को भी थ्रेट है, तो दोनों बिशप चले जाते हैं तो बाद में गेम में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि शुरू में जब ये पूरा ऐसे भरा हुआ रहता है बोर्ड मोरों से तो नाइट ज्यादा काम करता है, और जब ये खाली खाली सा बोर्ड होता है तो बिशप ज्यादा काम कर दे, तो बिशप चाहिए। Bc क्रॉस D5 किया, C क्रॉस D5 किया, Nq F3 इसने लिया, और F3 लेके ये बिशप को सपोर्ट करना चाहा। अच्छा ये होता कि बिशप को भी चलो एक्सचेंज कर देता, तो फिर इसने D4 खेला, Bc D2 के ऊपर लिया, D क्रॉस C3, Bc क्रॉस C3, Bc D7, Nq G3। Nq G3 से इतना कुछ उसको फायदा होने वाला नहीं है, रुक को अभी D1 पे लेता अच्छा रहता। अभी तो क्या इसका ये बाजू का कैसल भी खराब हो गया है, सब सफेद का। Nq G3, Bc B5, C4, Bc C6। अभी इसने शॉर्ट यहाँ पे कैसल किया, F6, Nf5, Qd7, H4, फिर भी ये पॉन ऊपर लेके यहां से अटैक करना चाहता है, Rd8। ये अच्छा किया, डबल किया फोर्स यहाँ पे, क्वीन और रुक। H5 देखो यहाँ पे आके नाइट को थ्रेटन किया इसने, तो इसने क्या किया, सीधा Qd3 कर दिया। इसने भी एक्सचेंज की क्वीन, Qd3 किया, रुक से मार दिया उसको, Hg6। Hg6 के ऊपर इसने नाइट को मार दिया। अभी Bc क्रॉस F3, Bc2B4 इसने खेला,
और ये रूक को थ्रेटन करना चाहा, लेकिन ये पॉन मार देता तो अच्छा रहता था, किंग बाहर निकला था। बिशप बी फोर, रुक ई एट, हाँ रुक इसने ई एट पे खेला तो डबल किया, लेकिन यहाँ पे एक मिनट, हाँ इसने रुक टू ई एट खेला, एक्चुअली डी एट खेलता और इसको डबल फोर्स करता तो वो अच्छा रहता था ज़्यादा, ठीक है। फिर भी जी क्रॉस एस सेवन गया, किंग क्रॉस एस सेवन गया, सी फाइव, बिशप को थ्रेटन गया, बिशप सी सेवन पे लिया, नाइट डी सिक्स खेला, रुक एच एट पे लिया इसने, ताकि रूक को एच एट पे लेके किंग को जी एट पे लाके ये पूरी फाइल रूक को मिल जाती है, और यहाँ पे रूक आता है तो एक्चुअली चेकमेट ही हो जाता है। एच वन के ऊपर अगर ये रूक आ गया तो चेकमेट हो गया, तो ये इसने रणनीति बनाई थी। नाइट एफ सेवन इसने थ्रेटन किया रूक को, इसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि रूक डी फोर लिया और ये जानता है कि अगर ये बिशप पान को यहाँ से मार देता है तो चेक लग जाता है और फिर इसको किंग को भारी पड़ेगा बहुत। तो इसने जो करना था किया कि रूक के पीछे लगाए तो नाइट से रूक को मार दिया, एक्चुअली उसके कारण चेकमेट हो गया है, वो मेट इन फोर की पोजिशन में जाता है। अगर वो ये रुक बी वन पे खेलता तो ये किंग को हिलने के लिए यहाँ पे जगह होती थी, किंग एफ वन खाली रहता था किंग के लिए, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया अपनी पोजीशन की तरफ। तो अपने अपनी पोजीशन अपने किंग की सेफ्टी पहले देखनी चाहिए, वो देखी नहीं यहाँ पे। नाइट क्रॉस एच एट किया, और ये जो पोजीशन होते हैं मेट इन फोर का पजल जैसे होते हैं, देखो आप वीडियो होल्ड करके सॉल्व कर सकते हैं क्या। हाँ तो रुक क्रॉस जी फोर करके चेक दिया, किंग एच टू पे ही जाता है, ई फोर करके ये पॉन निकल के यहाँ बिशप से चेक दिया इसको, किंग एच थ्री पे ही जाता है, इसने जी फाइव खेला। अभी जी फाइव खेल के क्या है, किंग को पूरा ब्लॉक कर दिया, किंग अभी कहीं हिल नहीं सकता है बिल्कुल। अभी किंग को चेक लग जाए तो फिनिश। तो इसने नाइट जी सिक्स खेला ताकि रुक से किंग को चेक नहीं लगे, किंग से मार दिया नाइट, इसने रूक बी वन पे खेला, कुछ फायदा नहीं अभी क्योंकि रूक एच फोर पे जाके चेकमेट हो जा। इस तरह से एक अच्छा खेल हमने देखा और देखा कि क्या क्या गलती या हुई है, क्या क्या करना खेलना चाहिए था। तो और भी ऐसे गेम बाद में देखेंगे। एक रुपया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं पड़ते। बहुत से लोगों को लगता है कि पैसे भरने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करने का सब्सक्राइब हो जाता है। धन्यवाद।